आलिया भट्ट ने अपने बर्थडे के दिन कैसे फैंस को दी ट्रीट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनी का जाल। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का आज जन्मदिन है और वो अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, जिसमें उनके फैमिली फ्रेंड्स भी आने वाले हैं और इस मौके पर फैंस को भी उन्होंने तोहफा दे दिया है। एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र से उनका फर्स्ट लुक रिवील किया है। वो इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी और ईशा नाम की लड़की का किरदार निभाएंगी। डायरेक्टर अयान मुखर्जी और खुद आलिया ने भी सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर किया है और फैंस उनके लुक को देखकर दीवाने हो गए हैं। उनका कहना है कि आलिया बहुत ही गॉर्जियस दिखाई दे रही है। अयान मुखर्जी ने आलिया भट्ट को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म से उनके लुक का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पानी की एक बूंद गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो सीधे आलिया के चेहरे पर गिरती है। कभी हाथ जोड़ते हुए तो कभी मुस्कुराते हुए उनकी कई झलकियां सामने आती है। वो किसी आसमान की तरफ किसी चीज को देखकर बेतहाशा दौड़ रही है। रणबीर के साथ आग की लपटों के बीच घिरी हुई है। करण जौहर ने भी आलिया का फर्स्ट लुक शेयर किया है और आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा तारीफें भी हो रही है दोस्तों इस लुक को देखकर। हाल ही में आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई, जिसमें उनका एक अलग ही लुक सामने आया। करेक्टर वाइज भी बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी, इसीलिए आलिया को इतना ज़्यादा वर्सटाइल कहा जा रहा है कि वो हर किरदार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय करती हैं। वहीं करण जौहर ने बड़ा इमोशनल पोस्ट लिखा और लिखा, 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें मेरी ब्रह्मास्त्र कहूंगा, मेरा प्यार का हथियार, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। आलिया का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और ट्विटर पर भी हैशटैग आलिया भट्ट ही ट्रेंड कर रहा है। वहीं ब्रह्मास्त्र फिल्म में आलिया और रणबीर के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय नजर आने वाले हैं। ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में 9 सितंबर 2022 को थिएटर्स में उतारा जाएगा। आलिया के पास ब्रह्मास्त्र के अलावा भी और बहुत सारी फिल्में हैं। रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, RRR, डार्लिंग, जीले जरा इन लिस्ट में शामिल है। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि आलिया भट्ट RRR से भी तहलका मचाने वाली है और हॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली है। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको आलिया के ब्रह्मास्त्र का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। Oh, oh, oh.